अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों मैंने आपके साथ फ्लड की बहुत खबरें शेयर की, और ये फ्लड की खबरें आप तक पहुंचाने का मकसद मतलब एक जो व्यूअरशिप मकसद होता है उससे कहीं बड़ा मकसद था लोगों के हालात बताना। क्योंकि मेरी अपनी जो 90% ज़मीन है ना वो फ्लड एरिए में है, और ये अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये मेरा वो वाला खूह है, वो वाली ज़मीन है जहाँ पर मैं खुद ज़िम्मेदारा करता था। इस साल मैंने ठेके पर दी है, लेकिन मतलब ज़मीन तो मेरी है। और जनाब हमारे पास भी फ्लड पहुंच गया है। मैंने आपको बहुत खबरें बताई थी, आज वाली खबर में ये मेरी अपनी ज़मीन में पानी पड़ रहा है, हम आपको दिखाएंगे। ये वाली साइड है जनाब जिधर से पानी आया है। ये एक नहर थी हमारे खूह के साथ, और ये उस नहर का पानी टूट के ये अभी जो आपको ये ज़मीन नज़र आ रही है ना, इसमें धान लगा हुआ था। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें थोड़े थोड़े धान के जो पत्ते हैं ना वो ऊपर नज़र आ रहे हैं, बाकी ये सारी ज़मीन डूब गई है। और ये मेरी तायाबू की ज़मीन है, और ये आगे जो तिली की फसल लोग लगे हुए हैं इसकी कटाई करने के लिए, ये हमारी फसल है तिली की और बिल्कुल तैयार है। पता नहीं ये निकाल पाते हैं या नहीं, ये थोड़ी सी ऊंची ज़मीन है लेकिन इसके साथ लग गया है पानी सैलाब का, और ये सारा सैलाब का पानी है। इधर आगे एक जबेलों वाली बहनी आती है, ये उसके लोग पैदल आ रहे हैं क्योंकि जो सड़क थी ना कच्ची उसके ऊपर पानी चला गया है। ये थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था लेकिन अब इस थोड़े से एरिया में भी पानी जो है ना वो आ गया। ये जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि मोटरसाइकिल वगैरह नहीं आ सकते। ये जबेलों वाली जो बहनी है ना उधर भी पानी चला गया। और ये हमारा जनाब, ये मेरा एक एकड़ है बंद के साथ, इसमें भी देखें पानी ही पानी है, ये भी भरा हुआ है। और ये मेरा फार्म था मछली का, ये थोड़ी नीची ज़मीन थी, ये वाली नीची ज़मीन थी, इसमें देखें सड़क से पानी एंटर हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बीच में सड़क है, बल्कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये जहाँ से सूखी सड़क पड़ी है ना, ये देखें ये सड़क आ रही है पीछे से, बल्कि ये जामन के पौधे मैंने लगाए हुए थे, ये सड़क हमारे ज़मीन के साथ साथ आ रही है। तो अभी ये पानी आ गया फ्लड का, बीच में सड़क है और सड़क के इस तरफ ये अभी मेरी धान की फसल बची हुई है। ये हमारी धान की फसल है, ये जो बची हुई है ये सारी हमारी धान की फसल है। यहाँ से लग के ये सारी अगली हमारी धान की फसल है। ये फ़िलहाल बची हुई है, हमारे 2 एकड़ में पानी, 2.25 एकड़ में पड़ गया है। ये जो सड़क आ रही है ना इसके देखें साथ फ्लड वाला पानी लग गया है, और यहाँ से इसने सड़क को तोड़ भी दिया है। ये सड़क तोड़ के हमारा, ये मैंने मछली फार्म बनाया हुआ था, ये जगह नीची थी फिर उसे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे भी हमने काश्तकारी शुरू कर ली, इधर धान हमने लगाए, फिर आलू लगाए, आलू के बाद मकई लगाई। अब जब मकई निकाल ली थी तो ये फ़िलहाल तो खाली पड़ी थी ज़मीन, लेकिन ये देखें सड़क तोड़ के ना, और ये फार्म के साथ मैंने पौधे लगाए हुए थे। ये देखें ये लीमू के पौधे हैं, और ये लीमू लगे हुए भी हैं इनके ऊपर, और ये सड़क से पानी जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये पानी एंटर हो रहा है हमारी फार्म वाली ज़मीन में, मछली फार्म वाली ज़मीन में। तो पानी जनाब यानी चंद घंटों बाद अगर काम ना हुआ तो ये हमारी ऊपर वाली ज़मीन में भी चंद घंटों बाद पड़ जाएगा। तो देखने वाले दुआ भी कीजिएगा कि हमारी बचत हो जाए। तो ये फ्लड की खबरें हमने बहुत दिखाई, लेकिन आज वाली खबर यही है कि हमारी अपनी ज़मीन में जो है वो पानी आ गया है।